के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गोरक्ष पीठाधीश्वर से आशीर्वाद लेने के लिए गोरखनाथ मंदिर में शिष्यों का उमड़ा सैलाब। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में लगाया जनता दरबार। समस्याओं के निस्तारण के लिए मंदिर परिसर में बारिश के बीच जनता ने दर्ज कराई उपस्थिति। सुरक्षित यात्रा के लिए जीआरपी ने रेलवे स्टेशन पर लगवाए चोरों और जहर खुरानों के पोस्टर। एसपी रेलवे ने कहा अपरिचित व्यक्तियों से दूर रहकर करें यात्रा। जेईएस के बचाव के लिए आयोजित हुई कार्यशाला। कमिश्नर ने कहा स्वच्छता से ही दूर होगी बीमारी। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किए जाने सहित कुल 10 सूत्रीय मांग को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के सदस्यों ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के समक्ष दिया धरना। बीआरडी मेडिकल कॉलेज ऑक्सीजन कांड में आरोपी पूर्व प्रचार की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने सहित कुल 5 सूत्रीय मांग को लेकर गोरखपुर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्यों ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। एडीएम सिटी की अध्यक्षता में संपन्न हुई अधीनस्थ शिक्षा सेवा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी संवर्ग परीक्षा की तैयारी बैठक। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संस्कार भारती द्वारा गुरुओं को किया गया सम्मानित। गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रेवती रमण पांडे स्मृति दिवस पर आयोजित हुआ श्रद्धांजलि सभा। शिक्षकों ने उनके बताए गए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। गोरखपुर डिस्पोजल एसोसिएशन के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गोरखनाथ मंदिर में की मुलाकात। प्लास्टिक और थर्माकोल से बने सामानों को बेचने के लिए मांगा वक्त। गोरखपुर ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन और गोरखपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हड़ताल रही जारी। ट्रक ऑपरेटरों की माने तो अब तक 5,000 करोड़ के राजस्व की हुई हानि। इनर व्हील क्लब ऑफ गोरखपुर रैंबो का शपथ ग्रहण 28 को। क्लब की अध्यक्ष ने दी जानकारी। स्वर्गीय पूर्व भाजपा सांसद राज नारायण पासवान के घर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दुखी परिवार को दिया ढांढस। और इनर व्हील क्लब होराइजन का तीज मेला 29 को। मेले में होने वाले इनकम को दिव्यांगों के ऊपर किया जाएगा खर्च। प्रेसिडेंट समता अग्रवाल ने दी जानकारी।